अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हिरा एंड यू आर वाचिंग ब्यूटीफाई बाय हिरा। सो आज की वीडियो एक टीनेजर स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्रोडक्ट्स भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ टीनेजर्स ही फॉलो करें। और अगर आप बिगनर हो और आपको नहीं पता कि कैसे स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें, सो ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं इनके प्राइसेस वगैरह भी मेंशन करती जाऊंगी और लिंक्स आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। द फर्स्ट प्रोडक्ट यू विल नीड इज अ गुड मेकअप रिमूवर। सो यहाँ पर मैं आपको ये इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि हम टीनेज में भी थोड़ा बहुत मेकअप यूज करते हैं। सो उसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम कोई सा भी अच्छा मिसलर वाटर यूज करें जिससे हमारा मेकअप और डर्ट वगैरह जो है हमारे फेस से निकल जाए और पिंपल्स वगैरह का भी इश्यू ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये बाय कर लें। ये है गार्नियर का मिसलर क्लेंजिंग वाटर और ये बहुत ही अच्छे से मेकअप को, डर्ट वगैरह को आपके पोर्स से जो है निकाल देता है और बहुत ही ज्यादा जेंटल है टीनेज स्किन के लिए। सो आप ये बाय कर सकते हो। एक तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, सो आप ये ट्राई कर सकते हो। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज फेस वॉश। एक बात जरूर ध्यान में रखें कि आप कोई सा भी हार्श प्रोडक्ट अपने फेस पर यूज ना करें। सो ये बहुत ही ज्यादा जेंटल है। सो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगी हिमानी का डेली स्किन एनर्जाइजिंग फेस वॉश विद एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। ये फॉर नॉर्मल स्किन है बट आप हर कोई स्किन वाले इसको यूज कर सकते हो। 100 ml की पैकेजिंग है जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। आप अपनी पॉकेट मनी से भी बाय कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और इसमें कोई ऐसे हार्श केमिकल्स नहीं है जो कि आपकी स्किन को सूट ना करें। और ये फेस वॉश बहुत ही जेंटल है, बहुत ही अच्छे से जितने भी इम्प्योरिटीज हैं आपके फेस में उनको निकाल बाहर करता है। सो आप ये ट्राई कर सकते हो और आपको दिन में 2 बार ही फेस वॉश यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं। सो चलते हैं अपने थर्ड प्रोडक्ट की तरफ जो कि है एक क्लेंजिंग मिल्क। सो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी पॉन्ड्स का व्हाइट ब्यूटी क्लेंजिंग मिल्क और ऑल टाइप ऑफ स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा जेंटल है, आप इससे मेकअप भी रिमूव कर सकते हो और क्लेंजिंग मिल्क से आपके पोर्स में जितनी डर्ट वगैरह होती है या फिर इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाती हैं और फिर आपको पिंपल्स वगैरह का भी इश्यू जो है वो नहीं होता। और क्लेंजिंग मिल्क से आपका फेस बहुत ही ज्यादा क्लीन और सॉफ्ट हो जाता है और आपने जस्ट 2 बार ही वीक में क्लेंजिंग मिल्क यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं। सो चलते हैं अपने फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ जो कि है एक टोनर। सो आपको जो है हार्श केमिकल्स वाले टोनर बाय करने की कोई जरूरत नहीं। बेसिकली टोनर्स करते क्या है, आपके पोर्स को जो है वो मिनिमाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगी कि आप कोई सा भी रोज वाटर यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर है मेरे पास मरहबा का रोज वाटर स्प्रे और ये बहुत ही अच्छा है, आपके पोर्स को काफी ज्यादा मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। सो आप अगर विंटर्स में यूज करोगे तो आपने डायरेक्टली इसको स्प्रे करना है अपने फेस पर, और अगर आप समर्स में यूज कर रहे हो तो आपको जो है इसको फ्रिज में रखना है और टाइम टू टाइम आपने इसके जो है स्प्रे करते जाना है अपने फेस पर। और ये आपकी ऑयल को भी जो है बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है, प्लस आपके पोर्स को भी काफी ज्यादा मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। सो चलते हैं अपने फिफ्थ प्रोडक्ट की तरफ जो कि है एक स्क्रब। सो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये बाय कर लें। ये है बायो एक्वा की राइस जेल, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, जितनी भी आपके फेस पर ड्राइनेस होती है और डेड स्किन सेल्स को बहुत ही अच्छे से रिमूव करती है। बेसिकली ये है तो एक जेल प्लस ये स्क्रब का आपकी काम बहुत ही अच्छे से कर देती है और ये आपको इंस्टेंटली आपके फेस पर जितनी भी डर्ट होती है इसको रिमूव कर देती है। और आपको बिल्कुल भी वो मार्केट वाले हार्श स्क्रब्स यूज नहीं करने, आपने बिल्कुल इसमें माइन्यूट से पार्टिकल्स हो वही स्क्रब यूज करने हैं। सो यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहती हूँ। सो अगर आप कोई और भी ट्राई करना चाहते हो तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बट ये वाला जो है ये बेस्ट है। और अगर आप टीनेजर हो तो आपको चाहिए वीक में एक ही बार स्क्रबिंग करो, उससे ज्यादा आपने स्क्रबिंग नहीं करनी। सो चलते हैं अपने सिक्स प्रोडक्ट की तरफ जो कि है एक मास्क। सो यहाँ पर मैं जो यूज करती हूँ ये है प्योरीफाई बाय फाइका का ग्रीन टी फेस मास्क। सो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, आप मास्क जो है कोई सा भी ऑर्गेनिक या फिर होममेड मास्क यूज कर सकते हो। सो जरूरी नहीं है कि आप ये वाला मास्क ट्राई करें, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंगली कोई सा भी मास्क जो है ऑर्गेनिक या फिर होममेड चूज कर सकते हो। और मार्केट वाले फेस मास्क को बिल्कुल अवॉइड कर देना है क्योंकि वो काफी ज्यादा केमिकल से बने हुए होते हैं। फेस मास्क से बेसिकली होता यह है कि आपके पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, आपकी एक्नी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, प्लस ये ऑयल को भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली ही कोई सा भी मास्क चूज कर लेना है और आपने जस्ट वीक में एक ही बार फेस मास्क यूज करना है। अगर आप टीनेजर नहीं हो तो आप 2 बार भी यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर करना है कि वो फेस मास्क आपके फेस को सूट करता हो। सो चलते हैं अपने 7th प्रोडक्ट की तरफ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, जो भी स्किन टाइप हो, आपने मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना है। सो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी जॉनसन का 24 आवर मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड है और आपके फेस पर जितनी भी ड्राइनेस होती है उसको बहुत ही जल्दी खत्म
कर देता है और ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। प्लस ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और क्विकली जो है आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 to 20 seconds में ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल भी ग्रीसी या फिर ऑयली नहीं है, ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही इजिली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। सो इसलिए मैंने आपको यही रिकमेंड किया क्योंकि ये बेस्ट है। आप इसको समर्स में भी यूज कर सकते हो एज वेल एज आप इसको विंटर में भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो निविया भी बाय कर सकते हो। सो अब चलते हैं अपने 8th प्रोडक्ट की तरफ जो कि अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आपने कोई सा भी मिनी सा लिप बाम अपने साथ रखना है, टाइम टू टाइम आपने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज रखना है। यहाँ पर मैं ये यूज कर रही हूँ, ये बिल्कुल अफोर्डेबल है, लाइक 50 rupees का ईच था और मार्केट में बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है। आप चाहो तो ऑर्गेनिक भी ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पर है मेरे पास फ्रेश एंड जॉय के लिप बाम और ये बहुत ही अच्छे से आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखते हैं। और ये मैंने बाय किए थे मार्केट से, 50 rupees का ईच मुझे मिला था। आप चाहो तो ऑनलाइन बाय कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनिक ब्रांड से बाय कर सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे लिप बाम्स अवेलेबल है मैंने ऑनलाइन देखे, बट यहाँ पर मैं आपको कोई सा भी लिप बाम रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि सारे लिप बाम्स ही बहुत ही अच्छे होते हैं। नाउ चलते हैं अपने 9th और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज सनब्लॉक या फिर सनस्क्रीन। आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर है मेरे पास रिवाज यूके की व्हाइटिंग एंड वैनिशिंग सनब्लॉक और ये है SPF 60 एंड PA++++। 50 ml की पैकेजिंग है और ये है वाटर रेजिस्टेंट, एंटी डार्क स्पॉट्स, एंटी डार्कनिंग। और इस प्रोडक्ट का एक ही इशू है, दैट इज व्हाइट कास्ट। इसकी व्हाइट कास्ट बहुत ही ज्यादा है, जब आप इसको अप्लाई करते हो तो आपका जो फेस है बहुत ही ज्यादा व्हाइट और ग्रेश सा लगता है, जो कि बहुत ही वियर्ड लगता है। सो आप चाहो तो कोई सी भी और सनस्क्रीन या फिर सनब्लॉक ऐड कर सकते हो। और आपको सनब्लॉक या फिर सनस्क्रीन मस्ट यूज करनी चाहिए। आप चाहो टीनेजर हो, 30+ हो, 40+ हो, 50+ हो, आपने सनब्लॉक या फिर सनस्क्रीन मस्ट यूज करनी है क्योंकि सनलाइट से हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, फ्रेकल्स वगैरह हो जाते हैं, एक्नी वगैरह हो जाती है, टैनिंग वगैरह हो जाती है। तो उसके लिए आपको सनब्लॉक जरूर यूज करनी है और ये आपने अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मस्ट रखना है। सो ये है हमारा लास्ट प्रोडक्ट और फेस की हमने इतनी ज्यादा केयर कर ली तो हम बॉडी की केयर क्यों ना करें। सो बॉडी की केयर के लिए सबसे मेन प्रोडक्ट होता है बॉडी लोशन। सो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी हिमानी का ये एलोवेरा लोशन और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, बजट फ्रेंडली है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, क्विकली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑल टाइप ऑफ स्किन कैन यूज दिस और ये बिल्कुल भी इसका टेक्सचर जो है वो ग्रीसी सा नहीं होता, आपकी स्किन जो है वो ऑयली ऑयली सी नहीं लगती, ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको ऐसा लगता है हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ। प्लस इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्विक है, एक दो बार लगाने से ही जितनी ड्राइनेस होती है वो रिमूव हो जाती है और इससे आपका फेस या फिर आपकी जो बॉडी है वो वेल मॉइस्चराइज, वेल हाइड्रेटेड लगती है और बहुत ही ज्यादा स्मूथ भी लगती है। सो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो खत्म होती है। प्राइसेस वगैरह मैंने आपके साथ साथ ही साथ मेंशन कर दी थी और ये जो जो प्रोडक्ट मैंने जहाँ जहाँ से बाय किए हैं इन सबके लिंक्स आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं ये अंडर 500 rupees के हैं, सो हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। आप टीनेजर हो या फिर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो स्किन केयर रूटीन, सो आप ये बहुत ही अफोर्डेबल सा स्किन केयर रूटीन जो है वो आप फॉलो कर सकते हो। इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी इससे और हर कोई इसको यूज कर सकता है। बाकी अगर आपको किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सा भी है तो आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आपको किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए या फिर कोई और टॉपिक आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में या फिर DM में। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर थोड़ी बहुत भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू फॉलो मी ऑन Instagram, Snack Video एंड TikTok। लिंक्स विल बी इन द description box below, so don't forget to check, and Allah Hafiz.